आप लोगों के लिए एक लेकर आया हूँ एक और रिव्यू का वीडियो जो है इस क्वाड बाइक के ऊपर। ये क्वाड बाइक मेड इन चाइना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। यहाँ पर आपको वो चार स्प्रिंग मिलने को देखने को मिलेंगे, इस साइड पे एक और इस साइड पे एक, दो, दोनों साइड पे दो दो स्प्रिंग्स है हर एक टायर पे। और ये स्प्रिंग्स ओरिजिनली वर्क करते हैं फॉर सस्पेंशंस। आप यहाँ पर स्पेशल प्रेशर देकर भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सामने वाला भी काम करता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सामने भी एक मोटर मिलेगा, पीछे भी मोटर मिलेगा। मैं अभी आपको एक डेमो देकर दिखाता हूँ। मैं इस टायर को उल्टा घुमा रहा हूँ, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। ये देखिए, ये आपका आगे पीछे वाला मोटर है, हर कार में रहता है ऐसे कार में। अब मैं इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। सामने भी मोटर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड आपको इस पे देखने को मिलेगा। और हायर सस्पेंशन है। और ये जो टायर है फुल्ली रबर का बना है, और इसमें ये अच्छा खासा ग्रिप भी है, जिसके लिए आप इसको ऑफ रोड में भी चला सकते हैं, नॉर्मल प्लेन सरफेस पर भी चला सकते हैं। आपको यहाँ पर एक खतरनाक टफ वाला बम्पर देखने को मिलेगा, एकदम रियलिस्टिक दिखता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैं इसको पंच करता हूँ बार बार, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका बम्पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको नीचे एक बार मारकर भी दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, एक स्क्रैच भी नहीं लगा बम्पर पे। इसका बम्पर बहुत ही स्ट्रांग है। मैं तो कहूँगा ये पहला ऐसा बम्पर है जो इतना स्ट्रांग है। मैंने बहुत बार इसके साथ प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ ये स्क्रू निकल जाता है। आपको सिर्फ स्क्रू में थोड़ा सा फेविक्विक दे देना है, जिससे कि ये स्क्रू बाहर ना आए। अगर स्क्रू बाहर आ गया तो ये वाला अब पोर्शन बाहर चला जाएगा और आपका स्प्रिंग निकल जाएगा, और वो हो जाएगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो ऑलवेज यूज़ अ फेविक्विक फॉर दी स्क्रूज। और इधर आपको लिखा देखने को मिलेगा मोटो, इधर है सामने ए 4x4 है। इसके सामने लाइट का भी डिज़ाइन दिया गया है सिल्वर कलर का, और ये वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर है। आपको इधर एक हैंडल देखने को मिलेगा जो इवेंचुअली मूव नहीं करता, बट कूल दिखता है। आप इससे बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं। और ये जो हैंडल है ये बहुत ही ड्यूरेबल है। इसका ब्रेक को भी आप खींच सकते हैं ऐसे। मैं साइड के ब्रेक भी दिखा देता हूँ। बहुत ही ड्यूरेबल प्लास्टिक का बना है। इसके टायर्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल एक मॉन्स्टर ट्रक की तरह दिखता है, बट इट्स अ स्क्वाड बाइक। इधर आपको एग्जॉस्ट भी देखने को मिलेगा दो दो, इधर एक होल भी है, और इधर आपको कनेक्ट करने के लिए एक पोर्शन मिलेगा। आप इसमें इंसान रखकर भी चला सकते हैं, अगर आपको इस वाले साइज का इंसान मिल जाता है। अभी मुझे नहीं मिला है। सो ये आपको सिर्फ 258 रुपीज़ मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। सो मैं अभी आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके स्टंट्स भी दिखाऊंगा। इसका इंजन भी बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, और इसके बम्पर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक दिखते हैं। चलो मैं आपको अभी एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। चलाने के वक्त आपको इसे प्रेस करना होता है, जिससे कि ये दो दो सस्पेंशन वर्क करे, सामने और पीछे वाले। और अभी आपको इसे पीछे ले जाना है और छोड़ देना है ऐसे, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। और इसकी टाइमिंग बहुत लंबी है, मैं आपको एक बार खींच के ऊपर रख कर दिखाता हूँ। देखिए कितने स्पीड से मूव करता है और कितनी आवाज़ मिलती है आपको इससे। पीछे वाला टायर का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, सामने वाला उतना ज़्यादा पावर नहीं रखता। सो अब मैं आपको इसके स्टंट्स दिखाता हूँ। मैंने स्टंट के लिए यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का रैंप रखा है। ओ अब मैं
इस कार को पोजीशन में लाता हूँ। मैंने इसे पकड़ा, प्रेस किया, पीछे लिया। आ गया हमारा कार पीछे। अब देखते हैं इस रैंप पे क्या होता है। गो कार। ओ नहीं, कार फेल हो गया। चलो, फेल करते करते ही सक्सेस मिलता है। रिट्राई और एवरेज। चलो फिर से करके देखते हैं होता है या नहीं। इस बार भी नहीं हुआ, इस बार करना ही पड़ेगा। गो क्वाड बाइक, ये हम जीत गए। चलो मैं बाइक को वापस लगता हूँ। तो आप लोगों ने तो बाइक की ऑफ रोड पावर देख ही ली है, इतनी ऊंची जगह पर जा सकता है। सो मैं अभी आपको वो खराब जगह पर लेकर दिखाता हूँ। सो मैंने अभी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सजा दी है, तीन रोज में तीन तीन चीज़ें। इधर एक छोटा वाला, उधर थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। अब मैं इसको पोजीशन करता हूँ, प्रेस करता हूँ, पीछे लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। फर्स्ट वाला गया, सेकंड वाला गया और वो उधर उठ गया और काम ख़त्म हो गया। बट इसको ये अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड देंगे तो ये इस रैंप से ऊपर जाकर और जंप भी कर सकता है। मतलब ये वाला अगर बाइक इधर भी जा सकता है, जाकर नीचे आ सकता है। सो वैसे एक जंप की मैं आपको एक स्लो मोशन वीडियो दिखा देता हूँ।